हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो पेडागोजी की अब तक की सारी क्लासेस स्टार्ट ख़त्म हो गई हैं, सॉरी। तो अभी हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सीटेट केवीएस एंड एचटेट आल्सो, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए प्रीवियस ईयर पेपर्स की। बेसिकली हम इसीलिए प्रीवियस ईयर और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको एक टाइप एंड मोड पता चल जाए कि सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप होगा प्रीवियस ईयर और सेट पेपर्स सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स टाइम में क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, उसकी सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइड्स, कि जो टीचिंग है वो आपकी शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकती है कैसे। फर्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन, टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड। इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो है और सेम क्वेश्चन आप उसके अंदर देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें भी कि बार बार क्या है, प्रैक्टिस सेट एंड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन। सेकंड है, यानी कि छात्रों में स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण। सेकंड आपका, स्टूडेंट्स लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड द कंट्रोल बाय टीचर्स, कि टीचर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाए और उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, ऐसी अधिकम शिक्षण होनी चाहिए। थर्ड है आपका, टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट को क्लियर करने के लिए एक टीचर को सेंट्रल में होना चाहिए, मतलब उसका जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए वो टीचर होना चाहिए। फोर्थ है आपका, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग, और टीचर क्या है, डायरेक्ट निर्देशित देके भी बच्चों को अधिकम प्रदान करा सकता है। तो इससे इसमें हमारा आंसर जो है वो है फर्स्ट। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे खुद करने के लिए एक्टिव रहेंगे और अपनी लर्निंग अपने कंट्रोल के थ्रू ही अपनी लर्निंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टीचिंग बिकम इफेक्टिव प्रोवाइडेड, जो शिक्षण प्रक्रिया है आपकी शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज इन अ क्लासरूम, की कक्षा कक्ष के अंतर क्या है, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। सेकंड, टीचर्स डायरेक्टेड मेथड्स आर यूज इन अ क्लासरूम, की कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक क्या है, निर्देशित विधियों का या मेथड्स का यूज करें। थर्ड है आपका, बोथ टीचर डायरेक्टेड मेथड एंड डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन आर यूज। थर्ड है आपका कि जो डायरेक्ट मेथड है आपका, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्टेड मेथड और डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन ये रखे जाएँ, दोनों का उपयोग किया जाए। एंड फोर्थ है, लर्नर सेंट्रल इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रैक्टिव मेथड आर यूज, यानी कि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, कि बच्चे क्या हैं, छात्र केंद्र यानी कि सेंटर टीचर वो सॉरी स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए और जिसके अंदर बच्चे खुद करके सीखें, उस प्रकार की क्या है, शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर है, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करें, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करें, यानी कि सेकेंड आंसर यहाँ पे आता है, सेकेंड आपका। नेक्स्ट है, अ गुड क्लासरूम टीचर, एक उत्तम कक्षा का शिक्षक कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, नेचुरल लर्नर्स नेचुरली क्यूरियोसिटी, जो छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा है उसको पोषण प्रदान करें। सेकेंड है, इनकरेज लर्नर्स टू एंगेज इन डायलॉग्स, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब इंगेज करें आपस में किसी भी टॉपिक पे बात वार्तालाप के लिए, संवाद के लिए। थर्ड है आपका, इन्वॉल्व्स लर्नर इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कि बच्चों को वास्तविक दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड के साथ जो है उनका कंटेंट कर मतलब सॉरी उनको कनेक्ट करे और वहाँ पे उनकी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करे ताकि बच्चे अपने रियल वर्ल्ड से सीख सके। एंड फोर्थ है आपका, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी चीज़ें। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करे, यानी कि फर्स्ट आता है आपका।
इसका आंसर कि बच्चों की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है, जो भी उसकी क्रियोसिटी है, उसको पहले आपको शांत करना है। अगर बच्चा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो ये नहीं कि उसको ले जाके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दें, उनको आपस में बात करने के लिए करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पर एज अ टीचर कि आप उसकी क्रियोसिटी को क्या है वहाँ पर शांत करें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी इज कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है, जो बच्चे सृजनशील होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी मौलिकता यानी कि ओरिजिनैलिटी होती है बच्चों के अंदर, फ्लुएंसी यानी कि प्रभावशीलता होती है, फ्लैक्सीबिलिटी यानी कि लचीलापन होता है, और ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। वो बच्चा ओरिजिनैलिटी भी दिखाता है, एक प्रभावता यानी कि हर चीज़ में फ्लुएंसी भी रहती है, और किसी भी थ्रू जो भी वो लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, उसको अपने अकॉर्डिंग क्या है फ्लेक्सिबल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्टूडेंट्स हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फॉर लर्निंग एंड टीचिंग कि समानता छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न में से विशिष्टताएं होती हैं कि निम्न इनमें जो ऑप्शंस दिए हैं चारों में, इसमें से कौन सी टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स के अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? फर्स्ट है एक्टिवनेस इन लर्निंग कि बच्चे अधिकम में क्रियाशील रहें। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स हैव एबिलिटी टू लर्न, बच्चों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। थर्ड है आपका स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू सेल्फ एक्टिविटी एंड रिलेशन टू न्यू एक्सपीरियंस कि बच्चा क्या है अपनी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे एंड सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू नए नए अनुभवों को यानी कि एक्सपीरियंसिस को अपने थ्रू सीखे। एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आता है छात्रों में सीखने की योग्यता यानी कि एक्टिवनेस इन लर्निंग। अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा फर्स्टली एक्टिव ही नहीं है, तो आप इस कोर्स में एबिलिटी हो या अपनी न्यू रिलेशनशिप स्थापित करें या कुछ भी करें तो वो तो यूजलेस हो जाती है, क्योंकि आपका फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि बच्चे आपकी क्लास के अंदर क्या है एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ स्लो लर्नर नीड्स जो एक मंद बुद्धि बालक होते हैं या मंद गति के बालक होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। मान लीजिए अगर एक नॉर्मल चिल्ड्रन है, नॉर्मल चिल्ड्रन है, ये थोड़ा स्लो लर्नर है। ठीक है, अगर इसको टू की टेबल सिखाई जाए, आपने एक बार बताई इसने लर्न कर लिया, एक बार प्रैक्टिस करी लर्न हो गई, इसको आपने टू की टेबल सिखाई, इसने एक बार प्रैक्टिस करी तो आधी लर्न करी, थर्ड बार करी तो थोड़ी सी और करी, फोर्थ बार करी तो थोड़ी सी फिर पूरी करी, तो ये बहुत मंद गति से यानी कि धीरे से सीखते हैं। ठीक है, तो वो उन बालकों की ज़रूरतें क्या हैं, नीड्स क्या हैं? फर्स्ट है एक्स्ट्रा हेल्प, उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। सेकेंड है स्पेशल हेल्प यानी कि विशेष सहायता प्रदान करना। थर्ड है आपकी किसी सहायता को नहीं देना यानी कि नो हेल्प, कोई सहायता प्रदान नहीं करना, और कुछ सहायता की यानी कि हल्की सी नीड्स की ज़रूरत है तो वो स्लो से थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है किसी सहायता की नहीं यानी कि नो हेल्प। अब देखिए यहाँ पे नो हेल्प क्यों आया है, बिकॉज जो स्लो लर्नर्स होते हैं उसके अंदर कोई मानसिकता बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटीज़ या डिसेबली वो नहीं है, डाइवर्सिटीज़ कि बच्चा क्या है सीख ही नहीं सकता, वो स्लो लर्नर है, एक बार प्रैक्टिस दो बार प्रैक्टिस में सीख सकता है। ठीक है, वहाँ पे उसको किसी भी प्रकार की सहायता मतलब एक्स्ट्रा उसके लिए करने के लिए कि आप एक्स्ट्रा क्लासरूम लगा रहे हैं या फिर उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं, कुछ अलग से स्पेशल नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन पुट अप बाय यू विल, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पुट अप अनदर क्वेश्चन सो दैट ही हिमसेल्फ रियलाइज दैट हिज आंसर वॉज रॉन्ग, कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था।
ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना. सेकंड करते हैं, टेल हिम व्हाई हिज आंसर वाज रॉन्ग, उसे बताएं कि उसका उत्तर क्यों गलत है. थर्ड आता है, आज सम अदर स्टूडेंट्स टू आंसर, किसी दूसरे विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहें. और फोर्थ है आपका टेल द करेक्ट आंसर, कि सही उत्तर बताएं. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहें, यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका करेक्ट, आस्क सम अदर स्टूडेंट. आप अगर क्लासरूम के अंदर आपके 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछा, तो आप फर्स्टली ये कभी नहीं करेंगे कि उसके आंसर गलत देने पे आप उसको डायरेक्ट आंसर बता देंगे. उससे क्या होगा, बाकी बच्चे को भी अगर नहीं आता होगा तो उनको भी आंसर पता चल जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करें, क्योंकि आपको क्या करना है, बच्चों से ही आंसर्स निकलवाने हैं, खुद से नहीं देना. अगर खुद से देना होता तो आप पहले ही दे देते. तो इसीलिए बच्चों से ही आंसर निकलवाइए. अगर इसने गलत दिया तो इसको खड़ा कीजिए, इसने गलत दिया तो इसको खड़ा कीजिए. अगर आपको दिख रहा है कि 4-5 हाँ सबने गलत ही दिया और किसी को नहीं आ रहा, देन आप करेक्ट आंसर बताएंगे. लेकिन तब तक आप यही ट्राई कीजिए कि बच्चों से ही उनके द्वारा आंसर निकलवाया जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है, टीचिंग इज डिफाइंड एज, शिक्षण को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट आता है फैसिलिटेशंस ऑफ लर्निंग, की अधिगम का सरलीकरण. सेकेंड आता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड इट इज रेपिशंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना. इस रूप में भी हम टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं. थर्ड आता है आपका रीडिंग द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक को पढ़ना टीचिंग है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, टीचर्स के द्वारा जो भी नॉलेज दी जाती है, ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है, टीचर की नॉलेज बच्चों को दी जाती है, उसको भी हम टीचिंग बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे है आपका शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्रों द्वारा ज्ञान का ग्रहण, यानी कि आपका आंसर नंबर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है. फर्स्ट आता है परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टिव, सेकेंड आता है इंट्रैक्टिव यानी कि अंतःक्रियात्मक, थर्ड आता है प्रोजेक्टिव यानी कि प्रेक्षण, और फोर्थ आता है समेटिव यानी कि संकलित. ठीक है, इसमें आपका आंसर है अंतक्रियात्मक यानी कि सेकंड इंट्रैक्टिव, कि जो भी टीचिंग है उसके अंदर आपको क्या करना है, बच्चों को अंतक्रियात्मक करना है, इंट्रैक्ट करना है. अगर टीचिंग लर्निंग क्या होती है, अगर यहाँ से टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं, तो वो किस प्रकार की टीचिंग, आपको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे सीख भी रहे नहीं सीख रहे. अगर यहाँ से टीचिंग कराई जा रही है तो यहाँ पे क्या है, बच्चे एक्टिव होने चाहिए, इंट्रैक्ट करना चाहिए बच्चों का, वो टीचिंग होती है. ठीक है, जो यहाँ पे आंसर है हमारा सेकेंड. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, यानी कि टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स, कौन से शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए. फर्स्ट है लेक्चर मेथड, इंट्रैक्टिव मेथड, नरेटिव्स एंड नन ऑफ दी एबव, भाषण विधि, अंतक्रियात्मक विधि और वर्णात्मक विधि. इसके अंदर कौन सी आपको लानी चाहिए, वर्णात्मक विधि यानी कि नरेटिव मेथड को सबसे ज़्यादा प्रयोग में प्रैक्टिस में लाना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सार्वधिक उपयोगिता यह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स को परामर्श यानी कि काउंसलिंग दी जा रही है, तो उसका सार्वधिक उपयोगिता क्या है, मतलब हम क्यों उसको यूजफुल बना रहे हैं. काउंसलिंग द स्टूडेंट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर, किस लिए यूजफुल होती है, एनहांसेस देयर नॉलेज यानी कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, डेवलपिंग देयर स्किल उनका कौशल बढ़ाया जा सकता है, थर्ड डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, एंड देन आपका आता है मेकिंग देम वर्ल्डली सक्सेसफुली यानी कि वे दुनियादारी में सफल बन सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 11 का,
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आता है यहाँ पे डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, यानी कि आत्मविश्वास की वृद्धि करना। देखिए आप जब भी आपने आफ्टर 12 भी देखा होगा कि काउंसलिंग रखी जाती है, वो क्यों रखी जाती है, ताकि आपको आपके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज किया जा सके कि जो भी आपने स्ट्रीम चूज करी है उससे रिलेटेड आप क्या हैं, लाइफ में कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपना एजुकेशन के थ्रू अपना वोकेशनली व्यवसाय चुन सकते हैं और आगे करियर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना है तो हम बच्चे की काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, मतलब मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या है, जिसमें अ स्टूडेंट कैन पास मोर देन वन क्लास एट द टाइम, एक विद्यार्थी एक समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। मल्टी ग्रेड मतलब एक समय में आपने ज़्यादा क्लास, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ के बाद क्या करते हैं, इधर साइड बाय साइड उनका कोई कोर्स चल रहा है, इधर SOL या उससे ग्रेजुएशन चल रही है, तो दो क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है अ टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट ऑफ मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाने को दिया जाता है, वो मल्टीग्रेड टीचिंग है। देर आर नो पॉइंट इन क्लास वाइज टीचिंग, यानी कि कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। और लास्ट आपका आता है ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर होगा एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आपको नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि आपसे टीचिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि अध्यापन, तो आपका क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है एक अध्यापक को एक ही समय में जब ज़्यादा कक्षाएं पढ़ाने को दी जाती हैं तो वो होता है आपका मल्टी ग्रेड टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ द टीचर इज, शिक्षकों की भूमिका है कहाँ पे, कम्युनिकेट नॉलेज की ज्ञान का संप्रेक्षण करना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमोंग स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स के बीच में क्या है अनुशासन स्थापित करना, थर्ड आता है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम और सर्जन करना, यानी कि क्रिएटिंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंट्रैक्टिव लर्निंग, एंड लास्ट आता है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी एबव, उसका काम कम्युनिकेट भी कराना है, कम्युनिकेट भी कराना है, नॉलेज का डिसिप्लिन भी मेंटेन कराना है, और टीचर लर्नर सेंटर्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, इंट्रैक्ट करे बच्चे की सारी एबिलिटीज़ या सारे चीज़ें क्या हैं एक टीचिंग के अंदर रखी जाती हैं टीचर्स के थ्रू, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, टीचर्स की। नेक्स्ट, टीचर शुड डू विल टीचिंग, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि जब भी आप टीचिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, ट्रांसमिट नॉलेज वर्बली कि आप मौखिक रूप से बच्चों को नॉलेज दे दें, इंकरेज इंक्वायरी बच्चों को जिज्ञासु बनाएं यानी कि उनको इंक्वायरी करने के लिए इंकरेज करें कि खुद सीखें, टीच थ्रू टेक्स्ट बुक इन अ क्लासरूम पाठ्य पुस्तक के द्वारा बुकिश लैंग्वेज दे दें, एंड नॉन ऑफ दी एबव इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका आंसर होगा 14 का कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाना। ठीक है, टीच थ्रू टेक्स्ट बुक इन अ क्लासरूम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, यू कैन हेल्प अ टैलेंटेड चाइल्ड बाय, एक प्रतिभाशाली बालक को आप कैसे मदद कर सकते हैं, प्लेइंग मोर अटेंशन टू हिम उनको अधिक ध्यान देकर, गिविंग हिम मोर बुक्स उनको ज़्यादा बुक्स देकर, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन हिम उनके साथ अधिक समय बिताकर, गिविंग एंड रिचर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस उनको सार्वधिक अधिकम अनुभव देकर, उनको अच्छे अधिकम अनुभव देकर, तो सबसे ज़्यादा इसका एप्रोप्रिएट आंसर है उस पर अधिक ध्यान देकर। ठीक है, यानी कि अटेंशन देकर आप उस पर जो टैलेंटेड चाइल्ड है उन पर अधिक ध्यान देंगे तो उनके टैलेंट को एक अच्छी जगह पर एक अच्छी फील्ड में आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन प्याजे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन प्याजे द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ 0 to 14 ईयर एज ग्रुप एक्वायर्ड इन 4 स्टेज, नेम द स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल फॉर 17 to 14 ईयर एज ग्रुप। देखिए जो प्रोफेसर हमारे जीन प्याजे जी थे उन्होंने 0 to 14 ईयर्स तक अपनी 4 स्टेजेस रखी थी, तो 7 to 14 साल वाली जो स्टेज है, ग्रुप वाली जो स्टेज है उसको क्या कहा गया है,
फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि ये थी आपकी 0 से 2 की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संज्ञेय अवस्था, इसकी थी आपकी 0 से 7 की। एंड कंक्रीट ऑपरेशनल थी आपकी 7 से 11, एंड फॉर्मल थी आपकी 11 से 18 या 15, जो भी आप रखेंगे, ठीक है, 15 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 14 वाली जो एज है आपकी, 7 से 14 वाली एज रखी गई है, वो आपकी आंसर नंबर 4th में रखी गई है, यानी कि फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में रखी गई है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे ये तो 7 से 11 वाली है और 11 से 15, देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन ख़त्म कहाँ हो रही है आपकी? फॉर्मल स्टेज पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रखी है। इसका आंसर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी कि औपचारिक संज्ञेय अवस्था ही होगा, बिकॉज इसमें क्या होता है, 7 से स्टार्ट होके जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लास्ट, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट बच्चे का देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एज अ टीचर हाउ वुड यू डील विद दोज स्टूडेंट सिटिंग इन अ बैक सीट एंड टॉकिंग टू ईच अदर। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा में यानी कि क्लासरूम के अंदर आपके बैक सीट सीटेड होते हैं, यानी कि बैक सीट पे बैठते हैं और आपस में क्या है बातें करते रहते हैं। By ignoring them, आप उनकी उपेक्षा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। Ask them to keep quiet or leave the class, आप उनसे चुप रहने को कहेंगे नहीं तो कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। Get them out from the class, उन्हें कक्षा से बाहर ही कर देंगे। And fourth है, ask them why they are not paying attention, कि वो क्यों अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं कक्षा के अंदर, उसका रीज़न जानने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th, कि आप उसका रीज़न जानने की पहले कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड इज, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रोजेक्टिव मेथड, इंटरव्यू मेथड। यहाँ पे क्या मापना है आपको, बच्चे की पर्सनालिटी मेज़र करनी है। तो पर्सनालिटी मेज़र आप कौन से मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड से, इंटरव्यू मेथड से, एंड क्वेश्चनरी मेथड से, और है आपका समाजवादी मेथड से यानी कि सोशियोमेट्रिक मेथड से। जो आपका आंसर है इसका प्रोजेक्टिव मेथड से यानी कि प्रक्षेपी विधि से, जिसको प्रेक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज, भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर लाइफ, कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार किया जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर वोकेशनल कोर्सेज, व्यवसाय जो व्यावसायिक विषय होते हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षाओं के लिए बच्चों को एजुकेशन क्या है भारत में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा रोजगार के लिए तैयारी कराई जाती है, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट, ताकि आप बच्चों की जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल के अंदर वो इसीलिए ही करते हैं, और इसीलिए अलग अलग स्ट्रीम रखी गई हैं कि साइंस साइड का बच्चा होगा, आर्ट साइड का बच्चा होगा, कॉमर्स साइड का बच्चा होगा, तो वो इस फील्ड में अपना करियर सेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लास A naughty child disturbs the students, which method should be teacher adopt to know the problem of the child। जो क्लास में naughty children होते हैं यानी कि शरारती बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों को disturb करते हैं teaching के अंदर classroom में सीखने के लिए, तो वहाँ पर आप कौन सा method का use करेंगे जिससे आप उनकी problems को short out कर सकें और उनका कारण जान सकें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि के द्वारा। केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक प्रायोगिक विधि के द्वारा। एंड फोर्थ है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि पर्यवेक्षण विधि के द्वारा। तो इसमें आएगा व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा यानी कि केस स्टडी मेथड के द्वारा, ठीक है।
ठीक है, आप नॉटी जो शरारती बच्चे हैं उनके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है आपका कि जब बच्चा माँ के गर्भ से होता है, गर्भ में होता है, तब से लेके अब तक की उसकी क्या क्या उसने किया, कौन कौन से डेवलपमेंट आए, कितनी अचीवमेंट्स रही, सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि बच्चा शुरू से ही ऐसा नॉटी है, किस रीज़न से है, शरारती क्यों है, तो आप केस स्टडी मैथड के थ्रू क्या है उसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। ओरल गाइडेंस इज लेस इफेक्टिव इन कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है, क्यों? टीचिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि प्रत्ययों के शिक्षण में जो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ओरल गाइडेंस प्रभावी नहीं है। टीचिंग स्किल्स यानी कि कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है मौखिक मार्गदर्शन। टीचिंग फैक्ट्स यानी कि तथ्यों के शिक्षण में एंड नॉन ऑफ द एबव यानी कि किसी में भी नहीं। तो आपका इसका आंसर होगा कौशल के शिक्षण में, यानी कि टीचिंग स्किल में आप ओरल गाइडेंस क्या है नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे स्किल आ गया। स्किल का मतलब क्या है, अगर आपको किसी बच्चे की स्किल डेवलप करनी है तो आप क्या कराएंगे वहाँ पे, एक्टिविटी कराएंगे, लर्निंग बाय डूइंग करवाएंगे, ताकि बच्चे क्या है किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सके, स्किल्स डेवलप कर सके। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्स अगर क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप ओरली आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका 22 क्वेश्चन नंबर। एन इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कैसा होता है? मेंटेन्स कॉडल इंट्रैक्शनली सॉरी मेंटेन्स कॉडाइल इंटर रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स, जो आपके कक्षा कक्ष में अपने सहपाठी हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, संबंध बनाना, उस तरह के बच्चे इमोशनली भावात्मक रूप से मतलब स्टेबल होते हैं इमोशनली। सेकेंड है, डज नॉट इंट्रैक्ट इफेक्टली विद अदर क्लासमेट्स, अपने अदर क्लासमेट्स के साथ क्या है बात नहीं करते वैसे छात्र होते हैं। डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी न्यू आइडियाज़, की नवीन विचारों में कोई नया उनका योगदान नहीं रहता वैसे बच्चे होते हैं। डज नॉट रिस्पेक्ट द आइडियाज़ गिवन बाय द अदर क्लासमेट्स, और उनके अदर क्लास रूम के अकॉर्डिंग, क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग जो नए आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, विचार दिए जा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा 22 का कि बच्चे कैसे होते हैं, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि जो इमोशनली स्टेबल है बच्चा वो क्या करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, उनकी बात भी सुनेगा, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और एक इफेक्टिव इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रोल ऑफ अ टीचर इज़, एक टीचर का क्या रोल है यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका है? ज्ञान का स्थानांतरण करना यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन, ज्ञान देना यानी कि प्रोवाइडिंग नॉलेज, गिविंग ट्रेनिंग इन स्किल्स यानी कि कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। इसका आपका आंसर होगा ज्ञान का स्थानांतरण करना, मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज। एक टीचर का मेन रोल क्या होता है कि वो अपने ज्ञान का स्थानांतरण बच्चों के अंदर करे, अपनी नॉलेज को यहाँ से टीचर से क्या है स्टूडेंट के अंदर नॉलेज को ट्रांसफर करे। नेक्स्ट आता है, यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, अटेंशन क्या है बच्चों की कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, कैसे? उच्च स्वर में बोलकर यानी कि स्पीक लाउडली, राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर लिखकर, ड्राइंग डायग्राम्स चित्र बनाकर और उद्दीगम परिवर्तन करके यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन करके। तो अगर आपके बच्चों का क्लासरूम के अंदर ध्यान भटक जाता है, इधर उधर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे बच्चों का अटेंशन जो है अपनी तरफ लेकर आएंगे, कैसे? स्टिमुलस वेरिएशन करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर अ स्टूडेंट नीड्स फॉलोइंग लाइफ स्किल्स, कि अनुकूलीय और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक हैं, क्या क्या? पहला, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, प्रभावी अंतर्व्यक्ति प्रेक्षण होना चाहिए, संप्रेक्षण, डिस्कशन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। थर्ड आता है, कॉपिंग विद इमोशन एंड स्ट्रेस यानी कि भावनाओं तथा तनाव के साथ सामंजस्य, यानी कि अगर बच्चे किसी प्रकार के इमोशन या स्ट्रेस में हैं तो वहाँ पे अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है वो बच्चे को आना चाहिए।
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो 25th का आपका आंसर है कि निर्णय लेने की योग्यता, यानी कि निर्णय, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, जब बच्चे का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक व्यवहार के लिए आप बच्चे को उसके अंदर ये कौशल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट हैव आंसर, व्हाट विल यू डू? यू विल, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, अवॉइड करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे कि आप उसका आंसर सर्च करेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, मतलब उसको पनिशमेंट देंगे या डांट लगाएंगे। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी, कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो अगले दिन बच्चों को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, चिंतनशील मतलब रिफ्लेक्टिव टीचर जो होता है, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है क्लासरूम के अंदर कि छात्र कैसे हो, लिसनिंग द लेक्चर, भाषण को सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षण के भाषण के नोट्स ले सकें, नोट्स बना सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें और छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले और क्या कर सके, प्रमोटिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर। एक जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप होता है, जो भी इंट्रैक्शन होता है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब क्लासरूम के अंदर एक रिफ्लेक्टिव टीचर्स रखेंगे। तो आपका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का? फर्स्ट आता है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, यानी कि उसको वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, सोशल के प्रति अवेयरनेस, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ जिसके अंदर वो जी रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर करना। तो इसका आंसर है विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, मतलब टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस लाइफ, जो भी उनका वर्ल्ड है, लाइफ है प्रैक्टिकली, उसके लिए अच्छा एक इंसान बना के तैयार करना, ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर के ऊपर। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू नोन टू गाइड अ स्टूडेंट, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। अगर एज ए टीचर आप किसी बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड कर सकें? फर्स्ट आता है आपको अधिगम की कठिनाई यानी कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज पता होनी चाहिए कि किसके थ्रू देनी है, उसके व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन आता है एनवायरनमेंट ऑफ हिज होम यानी कि उसके घर के वातावरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड फोर्थ आता है आपका ऑल ऑफ दी एबव यानी कि उसके सारे, मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बच्चे के लिए जो 29 का है कि आपको किस तरीके का मार्गदर्शन छात्रों के प्रति यानी कि अध्यापक के प्रति देना चाहिए, इसका आंसर है आपका उसके घर के वातावरण को, यानी कि आपको एनवायरनमेंट पता होने चाहिए बच्चे का जिस प्रकार से आप उसका गाइडेंस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आया इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कि एक आर्ट है, एक विज्ञान है साइंस है, एक विध्यनात्मक विज्ञान है यानी कि पॉजिटिव साइंस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि एक आर्ट है, एक कला है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, आपकी एक कला है, जो और बात जो आपकी कला है वो एक टीचिंग, जो आपकी टीचिंग है यानी कि आपका जो शिक्षण है वो भी क्या है, आपकी एक कला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। हमने यहाँ पे भी इस क्लास के अंदर 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो आपके प्रीवियस ईयर HTET में पूछे गए थे। तो आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।